All right. Hey guys, what's up everybody? It's Shiver Pirate X back it again with a new video, exciting tutorial. Please stay tuned and watch this video till end for Galop. So guys, अब मैं tutorial को start करता हूँ. English हो गई, जितनी आती थी बोल दी, ठीक है. अब ये फोटो कलोप ने भी लाइक करी है, आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी जाके चेक कर सकते हैं. सो, इसका मैं ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ अब. ये पहले मैंने डाला था लेकिन हटा दिया था ट्यूटोरियल थोड़े इश्यूज की वजह से. सो, मैं इसकी फर्स्ट फोटो दिखाता हूँ. ये मैंने घर पे ही क्लिक करी थी अपने रूम पे. बैकड्रॉप लगा रखी है, पीछे स्टैंड रखा हुआ है और ये ट्राईपॉड से मैंने लाइट अपने हाथों पर मारी हुई है अपने फ़ोन से. किसी बंदे की हेल्प नहीं ली इसलिए क्लिक करी है अभी इमेज, क्या कह सकते हैं. उसके बाद मैंने थोड़ी रीटचिंग करी है. रीटचिंग मैंने इसमें मिक्सर ब्रश से करी है. मैं पहले रीटचिंग मिक्सर ब्रश से करता था और अब फ्रीक्वेंसी सेपरेशन से करता हूँ. मिक्सर ब्रश आपको यहाँ मिलेगा और ये वाली सेटिंग डिटो कॉपी कर लेना और जस्ट ब्रश 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 करते जाओगे, आपके रिजल्ट्स आने लग जाएंगे. यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैसे कैसे मैंने कर रखा है, ठीक है. और फिर मैंने यहाँ एक टेक्सचर की कॉपी बना रखी है. क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का मिक्सचर में मैं रख के करता था हमेशा, अपनी जो भी ये मिक्सर ब्रश से करता था फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की मैं लेयर क्रिएट कर देता था कि शार्पनेस बनी रहे. क्योंकि जब आप मिक्सर ब्रश यूज़ करोगे उस टाइम आपके फेस की स्मूथनिंग हो जाएगी बहुत हद तक और आपके टेक्सचर सारे लूज़ हो जाएंगे. इसलिए अगर टेक्सचर लूज़ नहीं करने आपने तो यार आपको टेक्सचर की लेयर बनानी पड़ेगी. और जैसे यहाँ आएंगे देखो टेक्सचर आ गए होंगे. और फिर यहाँ थोड़ा मेरे को यहाँ ग्लो चाहिए था हल्का सा पॉप सा, यहाँ की फेस पे थोड़ी अलग सी एक लाइट रहे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही येलो येलो हो गया था वहाँ पे. फिर उसके बाद मैंने ये स्पार्क पार्टिकल है लेकिन ये लास्ट में डालेंगे. पहले यहाँ एक फ्लेम आएगी और जिसका ब्लेंडिंग मोड होगा कलर डॉज. और ये फ्लेम मैंने निकाली थी एक साइड से लेकिन ये PSG आपके डाउन डिस्क्रिप्शन में होगी तो आप इसके अंदर से PNG निकाल सकते हैं इजीली. और मैं लिंक भी डाल दूंगा, वो लिंक मेगा की होगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. और फिर मैंने एक और इसके ऊपर डाली ये लेयर और इसे स्क्रीन में कर दिया. अगर मैं स्क्रीन में नहीं करता तो ये कुछ ऐसी हो जाती, इसलिए आपको स्क्रीन में करना ज़रूरी है क्योंकि स्क्रीन से ग्लो आता है, एक इफ़ेक्ट आता है. नहीं तो ऐसे करोगे तो आपका इफेक्ट भी नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा. अब यहाँ थोड़ा आप देख सकते हैं आर्टिफैक्ट्स दिख रहे थे तो मैंने इसका लोअर करा है कर्व्स को. कर्व्स को भी लोअर दिखा देता हूँ मैंने आपको. ये डाउन सी टाइप कर्व है, इसे थोड़ा सा समझने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ. जो आपका ये वाला ब्लॉक है इसके मिड में लाना है आपको और इसी के ऊपर वाले में हल्का सा ऊपर लाना है और ये वाले को हल्का सा लाइन से इधर लाना है. मेन है कि लाइन लाइन का ये सारा एडजस्टमेंट है. इसमें थोड़ा मेहनत पे आपको ये कर्व्स आ जाएंगे आपकी फ़ोटो के अकॉर्डिंग, नहीं तो थोड़ा सा ऐसा दिखेगा ये. वो आप जब आउटपुट आ रहे होंगे तो आप खुद ही देख लेना कि मेरे को कौन सा बेटर लग रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है. और फिर जैसे ही यहाँ पे मैंने हाथों को थोड़ा और ब्राइट करा है कि अगर फ्लेम हाथ में होती है तो यार पूरी वाइटनेस कह रहा हूँ मैं, ब्राइटनेस बहुत होती है जब फ्लेम हाथ में होती है. इसके लिए और फिर ऊपर से मैंने स्पार्क्स डाले थे कि वो फ्लेम रियल टाइप सी लगे थोड़ी सी. और मैंने फिर एक और लेयर डाली यहाँ पे और ये लेयर थी जस्ट एक कलर था उसकी ओपेसिटी लो कर रखी थी मैंने, ये था वो ग्रेडियंट बोलते हैं इसे, मैंने ग्रेडियंट डाला था. और फिर इसका मैंने ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर दिया था कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरा चेहरा ना ऑरेंजिश लग रहा है. अब मेरे को ऑरेंजिश चेहरा नहीं चाहिए था तो इसे येलो करने के लिए मैंने ऐसा करा. बीच में मैंने बहुत स्टेप अपने भी मिक्स करें कि मेरे को आउटपुट सही नहीं लग रहा था, आपको जैसा बेटर लगे आप वैसे कर सकते हैं. और फिर यहाँ थोड़ा ग्लो एक्स्ट्रा की शर्ट पैंट हर जगह पे होता है अगर फायर होती है. और पीछे का बैकग्राउंड को मैंने बिल्कुल ही डार्क कर दिया और वो भी मैंने जस्ट कर्व नीचे करा हुआ है एक, हाँ. और यहाँ ब्राइटन अप के लिए कर्व ऊपर करा है मैंने, ठीक है. और फिर कलर लुकअप्स डाले थे थोड़ा सा क्योंकि ऑरेंजिश चेहरा रहना चाहिए,
क्योंकि स्किन का कलर बिल्कुल भी येलो ही नहीं होता। फिर यहाँ एक बढ़िया सी कलर ग्रेडिंग जिसमें ब्लू टोन आएगा, और फिर हल्की सी ह्यू सेचुरेशन की लेयर डाली थोड़ा सा कि फायर रियल लगे, और थोड़ा फायर को और पॉप करने के लिए मैंने ओवरले डाला है, नहीं तो वो ऐसी दिखती, ओवरले में ऐसी है। और फिर मैंने एक डोर डाला था अपने साइड में, ये एक अलग सा ऑब्जेक्ट, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग ना रहे और मतलब फ्लैट ना लगे मेरा बैकग्राउंड, इसलिए मैंने डोर में एक गॉसियन ब्लर डाला है जो सिंपल है कोई इतना ही, और फिर उसे डार्क कर दिया मैंने कि वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए, और ये डाउन कर रखा है। और फिर यहाँ एक स्टैम्प लेयर और एक छोटा सा कर्व जिसकी एडजस्टमेंट मैंने RGB में करी होगी, नहीं करी हुई है, वैसे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, कुछ करा होगा इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद एक फाइनल ग्रेड, और इसको थोड़ा सा और एनहेंस करने के लिए मैं आपको निक कलेक्शन की तरफ ले जाता हूँ, और मैंने निक कलेक्शन की वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। ये थोड़ा पेड है लेकिन 30 दिन के लिए फ्री है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। कलर ग्रेड मैं थोड़ा पहली बार दिखा रहा हूँ बंदों को, ठीक है। ये पहला ऑटो अप्लाइड है मेरे पे, मैंने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, डार्क सेंटर अपने आप अप्लाई हो गया, फिर ऐड फिल्टर करूँगा मैं, और फिर सबसे नीचे मेरे को प्रो कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है, हल्का सा प्रो कॉन्ट्रास्ट में डायनेमिक वाला अच्छा रहता है, थोड़ा डायनेमिक से थोड़ी सी अच्छी पॉपिनेस आ जाती है, कुछ ऐसा। जस्ट अप्लाई हो रहा है, लोडिंग हो रही है, तो यहाँ देख सकते हैं आप कितना अंतर आ गया इस जगह से और इस जगह तक। यही फायदा होता है निक कलेक्शन का, आपके कलर पॉप हो जाते हैं और आपकी फोटो और अच्छी दिखती है। इस ट्यूटोरियल को लाइक करें, शेयर करें अपने फोटोशॉप फ्रेंड से अगर आप देख रहे हो, और अपने सर्कल में, और 6,000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं, बस जल्दी जल्दी कर दो यार। थैंक यू गाइस।